Voice clear? Voice clear है? ओके चल भी ओपन कर ले। ओके ओके सॉरी फॉर लेट गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं। हाँ थोड़े से कुछ, हेलो एकता जी, गुड आफ्टरनून काव्या जी, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे इसकी वजह से मीटिंग जो थी वो हाँ लाइव स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल हम बिल्कुल ठीक हैं शुजा जी। गुड आफ्टरनून संजोय चक्रवर्ती। ओके चलिए शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सी अर्चन के अर्ली डेवलपमेंट के बारे में, है ना। रिवीजन लेक्चर सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे। नमस्ते विकेश जी, गुड आफ्टरनून प्रभजोत, थैंक यू गाइज मेरा वेट करने के लिए। चलिए तो सी अर्चन डेवलपमेंट की बात करेंगे। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं इससे, तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, है ना। फिर उसके बाद सेशन के एंड में हम लोग पी वाई क्यू सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ अच्छा शुजा जी, वो हाँ वो बैटरी जाने की वजह से हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, हाँ एमबीबीआई का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और उसी में बैटरी चली गई थी, तो उसके बाद हम हाँ। चलिए थैंक यू प्रभजोत जी, थैंक यू। गुड आफ्टरनून मनीषा जी, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एम्फीबिया का, होपफुली आप लोगों ने वो क्वेश्चन कर लिया होगा, है ना। उस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी हम लोगों ने, क्योंकि पूरा रिवाइज कर लिया था। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो पिछले लेक्चर्स में भी हमने वो क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो उसे देख लीजिएगा, है ना। चलिए तो आज हम लोग बात करते हैं सी अर्चिन में। सी अर्चिन में क्लेवेज कैसा होता है, रेडियल होलोब्लास्टिक क्लेवेज होता है। सी अर्चिन क्लेवेज कैसा होता है विकेश जी, एग्जाम के पहले तक हम जितना भी ज़्यादा लेक्चर्स, जितने भी ज़्यादा टॉपिक्स रिवाइज करना करवा सकते हैं करा देंगे, है ना। चलिए रेडियल होलोब्लास्टिक क्लेवेज होता है, यानी कि कंप्लीट क्लेवेज होता है सी अर्चिन के एग में, है ना। और सी अर्चिन जो जितने भी इकाइनोडर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ड्यूटेरोस्टोम होते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स, है ना। अब देखिए क्लेवेज पैटर्न देखते हैं। सबसे पहला क्लेवेज कैसा होता है, मैरीडायोनल क्लेवेज होता है, कंप्लीट एग क्लीव होता है। सेकेंड क्लेवेज भी मैरीडायोनल होता है, लेकिन थर्ड क्लेवेज जो होता है वो इक्वाटोरियल क्लेवेज होता है, इक्वाटोरियल क्लेवेज होता है। थर्ड क्लेवेज के बाद सेल्स जो होती हैं वो एनिमल हाफ एंड वेजिटल हाफ में दिखने लगती हैं। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो फोर्थ क्लेवेज होता है वो एनिमल हाफ सेल्स में मैरीडायोनल क्लेवेज होता है, जो 4 से 8 सेल्स बनती हैं। लेकिन जो वेजिटल हाफ सेल्स होती हैं उनमें फोर्थ क्लेवेज कैसा होता है, अनइक्वल इक्वाटोरियल क्लेवेज होता है। अनइक्वल इक्वाटोरियल क्लेवेज का मतलब कुछ इस क्लेवेज के बाद, फोर्थ क्लेवेज के बाद कुछ स्मॉल सेल्स प्रोड्यूस होती हैं और कुछ लार्ज सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। जो लार्ज सेल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, मैकोमियर्स बोलते हैं। और ये नीचे की तरफ जो स्मॉल सेल्स, रेड कलर की स्मॉल सेल्स दिख रही हैं, इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोमियर्स बोलते हैं। ये फिगर सभी को दिख रहा है ना, ये फिगर सभी को दिख रहा है। ओके तो जो फोर्थ क्लेवेज होता है वो एनिमल हाफ में मैरीडायोनल होता है, और वेजिटल हाफ में कैसा होता है, अनइक्वल इक्वाटोरियल क्लेवेज होता है। मैरीडायोनल के बाद, मैरीडायोनल क्लेवेज के बाद एनिमल हाफ सेल्स को क्या बोलते हैं, मेसोमियर्स बोलते हैं। वेजिटल हाफ की सेल्स जो अनइक्वल इक्वाटोरियल क्लेवेज में जाती हैं उनमें कुछ सेल्स जो लार्ज सेल्स होती हैं उनको मैक्रोमियर्स बोलते हैं, और जो स्मॉल सेल्स प्रोड्यूस होती हैं उनको माइक्रोमियर्स बोलते हैं। तो 9th to 10th क्लेवेज जो होता है उसके बाद जो हमें स्ट्रक्चर दिखता है, 9th, 10th क्लेवेज के बाद जो हमें स्ट्रक्चर दिखता है वो इस तरीके से दिखता है। और उसके बाद क्या होता है, स्पेसिफिकेशन शुरू होता है, सेल्स का स्पेसिफिकेशन शुरू होता है। गुड आफ्टरनून महाश्वेता जी, ओके एकता जी, बिल्कुल बिल्कुल, गुड आफ्टरनून प्राजना। चलिए
लेट, मैं खुद लेट हूँ महाश्वेता जी, मैं खुद लेट हूँ, है ना। चलिए, तो अब जो मैं स्ट्रक्चर दिखता है 9 to 10 क्लेवेज के बाद, वो इस तरीके से दिखता है। और इस इसी स्टेज में क्या होने लगता है, सेल्स स्पेसिफाई होने लगती है, सेल्स का स्पेसिफिकेशन होने लगा है। तो देखिए, जो एनिमल पोल की सेल्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, AN1 and AN2। और ये दोनों सेल्स स्पेसिफाई होती हैं, ये दोनों लेयर ऑफ सेल्स स्पेसिफाई होती है इसके लिए, एक्टोडर्म बनाने के लिए। तो AN1 एंड AN2 लेयर्स गिव राइज टू एक्टोडर्म। फिर उसके बाद नीचे आते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, वेज 1 वेज 2, लार्ज माइक्रोमियर्स एंड स्मॉल माइक्रोमियर्स। वेज 1 वेज 2 लार्ज माइक्रोमियर्स एंड स्मॉल माइक्रोमियर्स की सेल्स देखने को मिलती हैं। तो वेज वन की सेल्स जो होती हैं वो उनसे एंडोडर्मल ऑर्गन्स भी बनते हैं और मेसोडर्मल ऑर्गन्स भी बनते हैं। जो वेज वन लेयर की सेल्स होती हैं, सॉरी, वेज वन लेयर की जो सेल्स होती हैं उनसे एक्टोडर्मल ऑर्गन भी बनते हैं और एंडोडर्मल ऑर्गन भी बनते हैं। कुछ सेल्स जो होती हैं वो एक्टोडर्म में पार्टिसिपेट करती हैं और कुछ सेल्स जो होती हैं वो एंडोडर्म में पार्टिसिपेट करती हैं। वेज टू लेयर की सेल्स से एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पेशली नॉन स्केलेटोजेनिक मेसोडर्म के फॉर्मेशन में वेज टू लेयर की सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं। तो वेज वन लेयर की सेल्स एक्टोडर्म के, कुछ सेल्स एक्टोडर्म में भी पार्टिसिपेट करेंगी और कुछ सेल्स एंडोडर्म में पार्टिसिपेट करेंगी, एंडोडर्मल ऑर्गन्स में। वेज टू की सेल्स नॉन स्केलेटोजेनिक मेसोडर्म के फॉर्मेशन के लिए स्पेसिफाई होती हैं। लार्ज माइक्रोमियर्स की सेल्स जो होती हैं उन्हें प्राइमरी मेसेनकाइम सेल्स कहते हैं। ये प्राइमरी मेसेनकाइम सेल्स बेसिकली लार्वल स्केलेटन का फॉर्मेशन करती हैं। स्मॉल माइक्रोमियर्स की सेल्स जो होती हैं वो किसी भी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। ये क्या करती हैं, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स या जर्म लाइन सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस तरीके से सेल्स क्या होती हैं, क्लेवेज के बाद सेल्स स्पेसिफाई होने लगती हैं। बिल्कुल, मसल्स एंड इम्यूनोसाइट्स, इन सब का फॉर्मेशन कौन करता है, नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम सेल्स करती हैं। मसल्स हुआ और इम्यूनोसाइट्स हुए, पिगमेंट सेल्स हुए, इनको जनरेट करने का काम कौन करेगा, नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम सेल्स करेंगे। प्राइमरी मेसेनकाइम सेल्स का काम क्या होता है, लार्वल स्केलेटन का फॉर्मेशन, और जो स्मॉल माइक्रोमियर्स जो होते हैं वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये स्पेसिफिकेशन हो जाता है अर्ली स्टेज में। अब देखिए इस फिगर को, देखिए इस फिगर को, देखिए ये फिगर नॉर्मल, हमें नॉर्मल डेवलपमेंट दिख रहा है। अच्छा, जो सी अर्चिन का डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, वो रेगुलेटरी मोड होता है। सी अर्चिन का डेवलपमेंट कंडीशनल डेवलपमेंट होता है, कंडीशनल डेवलपमेंट होता है अर्ली स्टेज में, बहुत अर्ली स्टेज में। फोर सेल स्टेजेस में यह देखा गया था कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बोला था, जिन्होंने यह बोला था कि सी अर्चिन का डेवलपमेंट कैसा होता है, कंडीशनल डेवलपमेंट होता है। हम लोग इसमें ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं, बुक में ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, होल्ड करिएगा, बुक में हम आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट जो ड्रीश जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव किया था कि जो सेल्स होती हैं सी अर्चिन में, जो स्पेसिफिकेशन होता है सेल्स का वो कैसा होता है, वो होता है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। इन्होंने ये बात अपने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करी थी। देखिए एक मिनट, हम आप लोगों को दिखाते हैं, होल्ड करिए मुझे। हाँ, 64 पेज नंबर पर दिया हुआ है ये। तो पहले जो साइंटिस्ट थे रॉक्स, उन्होंने क्या बोला कि कंडीशनल जो सी अर्चिन की सेल्स होती हैं वो ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड होती हैं, क्योंकि फोर सेल स्टेज में हर एक सेल से क्या हो रहा था, एक स्मॉल लार्वा डेवलप हो रहा था। लेकिन
फिर उसके बाद जो ड्रीस साइंटिस्ट है उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जब स्टेजेस आगे बढ़ी, 4 से 8 सेल हुई, 8 से 16 सेल स्टेज हुई, तो उन्होंने देखा कि अब इसके बाद जो सेल्स थी वो क्या हो रही थी, जब उनको अलग अलग डेवलप किया जा रहा था तो कोई भी सेल्स एक कंप्लीट लार्वा डेवलप नहीं कर पा रही थी। मतलब 4 सेल स्टेज तक तो ऑटोनोमस शो हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आगे जैसे जैसे 8 से 16 सेल स्टेज पर पहुंचे तो वहां पर क्या होता गया, वहां पर कोई भी सेल्स जो थी वो एक कंप्लीट लार्वा डेवलप नहीं कर पा रही थी। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, ड्रीस ने प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट किया। प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट में के दौरान इन्होंने क्या किया, इन्होंने नॉर्मल क्लीव, जो ये नॉर्मल क्लीवेज हो रहा था, ये यहाँ पर ये ब्लास्टोमियर्स की पोजीशंस दी हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। तो इन्होंने क्या किया, एक नॉर्मल क्लीव होते हुए जो एम्ब्रियो को उठाया और उसको प्रेशर प्लेट के थ्रू प्रेशराइज करके, ग्लास प्लेट के थ्रू प्रेशराइज करके क्या किया, जितने भी ब्लास्टोमियर्स थे, जितने भी न्यूक्लियाइज थे, उनको शफल कर दिया। जब उन्होंने शफल करने का मतलब हर न्यूक्लियाई की पोजीशन को चेंज कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जो वेंट्रल स्ट्रक्चर्स बनाने वाले ब्लास्टोमियर्स थे वो डॉर्सल एरिया में आ गए, जो डॉर्सल बनाने वाले थे वो वेंट्रल में आ गए। तो उन्होंने सारे न्यूक्लियाइज को क्या कर दिया, शफल कर दिया। और शफल करने के बाद जब उन्होंने इस एनिमल का डेवलपमेंट देखा, शफल करने के बाद तो देखा एक नॉर्मल एनिमल बना, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके की एबनॉर्मेलिटी नहीं हुई, एनिमल के डेवलपमेंट में किसी भी तरीके की एबनॉर्मेलिटी नहीं हुई। तो उन्होंने ये बोला कि, और कंडीशनल डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, अगर कोई भी सेल्स कंडीशनली स्पेसिफाई है तो उसे जिस भी एरिया में डाल दिया जाता है वहां की आसपास की नेबरिंग सेल से सिग्नल लेके वो उसी के अकॉर्डिंग फेट को अचीव कर लेती। तो इस वजह से क्या हुआ कि जितनी भी सेल्स थी न्यूक्लियाई सफल करने के बावजूद जो डेवलपमेंट हुआ एनिमल का वो नॉर्मल डेवलपमेंट हुआ। तो इसके बेसिस पर ड्रीश ने क्या किया, इसके बेसिस पर ड्रीश ने बोला कि ये जो सेल्स होती हैं, ये जो टी अर्चिन में जो सेल्स हैं, ये कैसी स्पेसिफाई हैं, कंडीशनली स्पेसिफाई हैं। देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ड्रीस कंफर्म कंडीशनल डेवलपमेंट इन सी अर्चिन एम्ब्रियोज विद एन इंट्रीगेट रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे न्यूक्लियाई को शफल किया और जब रिजल्ट आया तो एक नॉर्मल एनिमल बना। उसके बेसिस पे ड्रीश ने कंक्लूड किया कि क्या कंक्लूड किया, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ ब्लास्टोमियस विद इन द होल विल प्रोबेबली इन अ जनरल वे डिटरमाइन व्हाट सेल कम फ्रॉम इट। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स वर मोमेंटस बोथ फॉर एम्ब्रियोलॉजी एंड फॉर ड्रीश पर्सनली। First, Dries had demonstrated that prospective potency of isolated blastomere is greater than prospective fate. Prospective fate, और हमने conditional specification में भी ये condition पढ़ी थी, जब potency greater than हो जाती है fate के तो वो कैसी condition होती है, conditional specification की condition होती है। उसके बाद में second इन्होंने क्या conclusion दिया, कि सी अर्जिन एम्ब्रियो इज अ हार्मोनियस इक्विपोटेंशियल सिस्टम बिकॉज ऑल ऑफ इट्स पोटेंशियली इंडिपेंडेंट पार्ट्स इंट्रैक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। ये का सेकेंड कंक्लूजन था। थर्ड कंक्लूजन क्या था, सेल्स इंटरेक्शन इज क्रिटिकल फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट। इफ ईच अर्ली ब्लास्टोमियर कैन फॉर्म ऑल द एम्ब्रियोनिक सेल्स व्हेन आइसोलेटेड, इट फॉलोज दैट इन नॉर्मल डेवलपमेंट द कम्युनिटी ऑफ सेल्स मस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम द डूइंग सो। थर्ड कंक्लूजन क्या था, द फेट ऑफ अ न्यूक्लियस डिपेंडेंट सोली ऑन इट्स लोकेशन इन द एम्ब्रियो, इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स डिटरमाइन देयर फेट्स। तो सेल्स के बीच में इंटरेक्शन होना जरूरी है और सेल्स के बीच में इंटरेक्शन के थ्रू जब फेट्स का स्पेसिफिकेशन होता है, फेट डिटरमाइंड होते हैं, तो कौन सा डेवलपमेंट होता है, रेगुलेटिव या कंडीशनल डेवलपमेंट होता है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, ड्रीश ने पहला कंक्लूजन क्या दिया था, कि प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी फेट से ग्रेटर देन होती है, यानी कि कंडीशनल डेवलपमेंट होता है। सेकंड इन्होंने क्या दिया था, सी अर्जिन एम्ब्रियो इज अ हार्मोनियस इक्विपोटेंशियल सिस्टम बिकॉज ऑल ऑफ इट्स पोटेंशियली इंडिपेंडेंट पार्ट्स इंटरेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। और थर्ड कंक्लूजन इन्होंने दिया था कि सेल्स के बीच में इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है, दैट द फेट ऑफ अ न्यूक्लियस डिपेंडेंट सोली ऑन इट्स लोकेशन इन द एम्ब्रियो एंड इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स डिटरमाइन देयर फेट इन सी अर्चिन।
तो ये सारे इनके क्या थे, ये इनके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे, और इसी प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने ये प्रूफ किया कि सी अर्चिन में क्या होता है, सी अर्चिन में कंडीशनल डेवलपमेंट होता है। गुड इवनिंग रचना जी, गुड इवनिंग अनिल जी, गुड इवनिंग प्रिंशी जी, ओके ओके लेडी गिलबर्ट, अरे सचिन दास जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग ऐसे टाइटल मत दिया करिए, है ना। चलिए, तो ये एक्सपेरिमेंट आपको और स्पेशली इनके कंक्लूजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से जितने भी हमने कंक्लूजन्स पढ़ाए हैं उन कंक्लूजन्स को पॉइंट वाइज नोट कर लीजिएगा ताकि आगे के लिए आपको याद रहे, है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आशीषा जी, वेरी गुड इवनिंग, आपके कमेंट्स बहुत अच्छे रहते हैं, हमने आपके कमेंट्स पढ़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई कि सी अर्चिन का डेवलपमेंट कैसे होता है, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं इस वाले फिगर की, ये फिगर। तो नॉर्मल डेवलपमेंट हमने देखा, नॉर्मल डेवलपमेंट का हमने स्ट्रक्चर देखा कि AN1 AN2 की सेल्स एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करेंगी, वेजन की सेल्स एंडोडर्म और एक्टोडर्म दोनों में इन्वॉल्व होंगी, वेज 2 की सेल्स सिर्फ मीजोडर्म नॉन स्केलेटोजेनिक मीजोडर्म का फॉर्मेशन करेंगी, मीजेंकाइम सेल्स होंगी, माइक्रोमियर्स में जो लार्ज माइक्रोमियर्स की सेल्स होंगी वो प्राइमरी स्केलेटोजेनिक मीजेंकाइम सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी, और जो स्मॉल माइक्रोमियर सेल्स होंगी वो प्राइमोडियल जर्म सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी। तो ये तो नॉर्मल डेवलपमेंट था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ सारी सेल्स को वेजिटल पोल की सारी भी सेल्स को निकाल दिया और सिर्फ एनिमल हेमिस्फीयर को अकेले रखा। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा जो एनिमल डेवलप हुआ डॉर ब्लास्टुला का मतलब परमानेंट ब्लास्टुला। तो जो एनिमल था उसका क्या हो गया, कंप्लीट एनिमलाइजेशन हो गया, यानी कि परमानेंट ब्लास्टुला कंडीशन में ही एग्जिस्ट करता रहा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या दी, सिर्फ एनिमल हेमिस्फीयर की सेल्स थी। अब सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एनिमल हेमिस्फीयर की सेल्स के साथ लार्ज माइक्रोमियर्स की सेल्स, या सिर्फ माइक्रोमियर्स की सेल्स बोले तो सही है, माइक्रोमियर्स की सेल्स को डाल दिया और इन्होंने देखा कि रिकॉग्नाइजेबल लार्वा डेवलप हुआ। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे ये प्रूफ हुआ कि माइक्रोमियर्स ने क्या किया, माइक्रोमियर्स ने सिग्नल दिए ऊपर वाली सेल्स को क्या बनाने के लिए, एंडोडर्म और मीजोडर्म बनाने के लिए। इसीलिए डेवलप क्या हो गया, रिकॉग्नाइजेबल लार्वा एंडोडर्म फ्रॉम द एनिमल लेयर्स। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि माइक्रोमियर्स क्या करते हैं, माइक्रोमियर्स अर्ली स्टेजेस में ही ऑटोनॉमसली स्पेसिफाई होते हैं और बाकी की सेल्स को क्या करते हैं, सिग्नल्स देते हैं फेट को अचीव करने के लिए, अपने अबव की सेल्स को सिग्नल देते हैं फेट को अचीव करने के लिए। तो माइक्रोमियर्स क्या करते हैं, स्पेसिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। गुड आफ्टरनून पुनीत जी, थैंक्स अलॉट फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच सत्या जी, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वापस से हम लोग इस वाले चैप्टर पे आ जाते हैं और कुछ पॉइंट्स को रीड करते हैं। देखिए, तो ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने क्या प्रूफ किया, ये प्रूफ किया। देखिए ये दोनों पॉइंट्स पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द फेट ऑफ अ डिफरेंट सेल लेयर्स आर डिटरमाइंड इन 2-step प्रोसेस। पहला स्टेप क्या होता है, द लार्ज माइक्रोमियर्स आर ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड एंड दे इनहेरिट मैटरनल डिटरमिनेंट्स दैट वर डिपॉजिटेड एट द वेजिटल पोल ऑफ द एग, and these become incorporated into the large micromeres at fourth cleavage. These fourth cleavage कौन से determinants होते हैं, अभी हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि question वहीं से आया हुआ है। Fourth cleavage, these four micromeres are thus determined to become skeletogenic mesenchyme cells and that will leave the blastula epithelium, enter the blastocele, migrate to particular positions along the blastocele wall and then differentiate into the larval skeleton. तो ये जो large micromeres की cells होती हैं, ये कैसी specified होती हैं,
ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड होती हैं, व्हाइल द ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड लार्ज माइक्रोमीटर्स आर नाउ एबल टू प्रोड्यूस पैराक्राइन एंड जेक्स्ट्राक्राइन फैक्टर दैट कंडीशनली स्पेसिफाई द फेट्स ऑफ देयर नेबर्स. The micrometers produce signals that tell the cells above them to become endomesoderm, endoderm, and the secondary mesenchyme cells. Secondary mesenchyme cells का मतलब non-skeletogenic mesenchyme की cells, जो veg2 cells थी. Veg2 cells को बनने के लिए signals देती हैं and induces them to invaginate into the embryo. तो ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस. अगर क्वेश्चन अगर आया तो स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना. थैंक यू सचिन जी, थैंक यू सो मच, है ना. हाँ चलिए, ये सब आप लोगों का सपोर्ट है. चलिए तो ये आप लोगों को याद रखना है कि सेल्स जो होती हैं, कौन सी सेल्स ऑटोनोमसली स्पेसिफाई होती हैं, जो लार्ज माइक्रोमीटर की सेल्स होती हैं. और ये क्या करती हैं, ये एंडोमेसोडर्म के लिए यानी कि एंडोडर्म और सेकेंडरी मेसेनकाइम सेल्स के लिए को बनने के लिए सिग्नल देती है, है ना, जक्स्ट्राकाइन एंड पैराकाइन इंटरेक्शंस के थ्रू. अब सेकंड बात, ये माइक्रोमीटर्स स्पेसिफाई कैसे होते हैं, कौन से डिटरमिनेंट्स होते हैं जो इनमें बिफोर फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं और आफ्टर फर्टिलाइजेशन वेजिटल साइड पर आ जाते हैं, यानी कि माइक्रोमीटर्स में आकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं. देखिए पढ़िए, माइक्रोमीटर्स का स्पेसिफिकेशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ माइक्रोमीटर लीनेज बिगिंस इनसाइड द अनडिवाइडेड एग, मींस बिफोर फर्टिलाइजेशन. द इनिशियल रेगुलेटरी इनपुट्स आर टू ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर डिसेबल्ड एंड बीटा कैटेनिन, बोथ ऑफ विच आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एंड आर इनहेरिटेड बाय द माइक्रोमीटर्स एज सून एज दे आर फॉर्म्ड. मतलब डिसेबल्ड एंड बीटा कैटेनिन का एक्यूमुलेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है सेल्स में, और फोर्थ क्लिवेज के दौरान ये कहाँ पर आ जाते हैं, ये वेजिटल हाफ में आ जाते हैं, और अल्टीमेटली ये इनका एक्सप्रेशन कहाँ मिलता है, माइक्रोमीटर्स में मिलता है. कहाँ पर मिलता है, माइक्रोमीटर्स में. ड्यूरिंग ऊजेनेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिसेबल्ड बिकम्स लोकेटेड इन द वेजिटल कॉर्टेक्स ऑफ द एग where it prevents the degradation of beta catenin. मुझे ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि beta catenin के degradation को disable कैसे protect करता है. Previous lectures में हम discuss कर चुके हैं WNT pathway के बारे में, कि जब WNT होगा उस केस में क्या होगा, उस केस में disabled active रहेगा. disabled inhibit किसको करेगा, answer करिए, disabled किसका inhibitor है, कौन से factor का inhibitor है, बताइए किस factor, किसको इनहिबिट करने का काम डिसेबल करता है, आंसर करिए, बताइए, बोलिए किसको इनहिबिट करने का काम डिसेबल करता है बीटा कैटेनिन के प्रोटेक्शन के लिए. जीएसके 3 ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज 3, यस, जीएसके 3 को इनहिबिट करने का काम कौन करता है, डिसेबल करता है, जिसकी वजह से बीटा कैटेनिन का फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पाता, ना ही डिग्रेडेशन हो पाता है, और बीटा कैटेनिन क्या होता है, प्रोटेक्ट हो जाता है, इजली न्यूक्लियस में जाता है और स्पेसिफाइंग जीन्स को एक्टिवेट करने का काम करता है. तो इट प्रिवेंट्स द डिग्रेडेशन ऑफ बीटा कैटेनिन इन द माइक्रोमीटर्स एंड कुछ परसेंटेज बीटा कैटेनिन का वेजिटेटर ऑफ सेल्स में भी मिलता है. ड्यूरिंग नॉर्मल डेवलपमेंट बीटा कैटेनिन एक्युमुलेट्स प्रीडोमिनेंटली इन द माइक्रोमीटर्स एंड समवॉट लेस इन द वेजिटेटर सेल्स. कुछ बीटा कैटेनिन का जो प्रीडोमिनेंट, मतलब जो हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो माइक्रोमीटर्स में मिलता है, स्पेशली लार्ज माइक्रोमीटर्स में. और जो वेजिटेटर की सेल्स होती है उनमें भी बीटा कैटेनिन का कुछ परसेंटेज दिखने को मिलता है. द बीटा कैटेनिन देन एंटर्स द न्यूक्लियस वेयर इट कंबाइंस विद द टीसीएफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू एक्टिवेट जीन एक्सप्रेशन फ्रॉम स्पेसिफिक प्रमोटर्स. क्लियर, बताइए इतना पार्ट सभी को समझ में आता है कि कैसे स्पेसिफिकेशन हो रहा है, कैसे ये स्पेसिफाई हो रहा है कि माइक्रोमीटर्स की सेल्स जो होती हैं वो ऑटोनोमसली क्या होती है, उनके पास क्या होते हैं डिटरमिनेंट्स होते हैं, और ऑटोनोमसली अपने फेट को अचीव करती हैं. बताइए, बताइए, आंसर करिए. सभी लोग सी अर्चिन का डेवलपमेंट सभी लोग पढ़ना चाहते थे, प्रभजोत जी, अंकिता जी, जहूर जी, बताइए, आंसर करिए. सभी को ये पार्ट क्लियर है, सभी को ये पार्ट क्लियर है.
तो माइक्रोमीयर्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, वो दूसरी सेल्स को सिग्नल्स दे सकते हैं और सेकेंडरी एक्सेस का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, ये बात कैसे प्रूफ, तो ये आपको एक नॉर्मल डेवलपमेंट दिख रहा है। अगर आप सी अर्चिन में देखें, सी अर्चिन में, तो वहां पर ये जो मीजोमियर्स, हमने बोला था जो एनिमल हाफ की सेल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, मीजोमियर्स बोलते हैं। तो मीजोमियर्स में आपको बिल्कुल भी बीटा कैटेनिन का अमाउंट देने को नहीं मिल रहा। ये जो ऑरेंज आयरन दिख रहा है ना, ये बीटा कैटेनिन, ये बीटा कैटेनिन। तो बीटा कैटेनिन कहां पर होगा, जहां पर डिसेबल्ड होगा, और जहां पर डिसेबल्ड होगा वहीं पर बीटा कैटेनिन प्रोटेक्ट रहेगा, अदरवाइज जहां डिसेबल्ड नहीं होगा वहां GSK3 अपना फंक्शन करेगा और बीटा कैटेनिन को एक्यूमुलेट नहीं होने देगा, है ना। तो वेज 2 हमें कहां पर मिल रहा है, वेजिटल लेयर की सेल्स में, वेजिटल कॉर्टेक्स में डिपोजिशन हुआ है। तो वेज 2 में बीटा कैटेनिन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, स्पेशली लार्ज माइक्रोमीयर्स में, स्पेशली लार्ज माइक्रोमीयर्स में, वेजिटल रीजन में जो लार्ज माइक्रोमीयर्स हैं उनमें बीटा कैटेनिन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है। आप लोगों को फिगर में डार्क ऑरेंज दिख रहा होगा ना, डार्क ऑरेंज दिख रहा होगा। जस्ट इसके ऊपर की सेल्स, लार्ज माइक्रोमीयर्स के ऊपर की सेल्स क्या होती हैं, अभी हमने पिछला फिगर दिखाया, वेज 2 सेल्स होती हैं, ये सेल्स जिसमें लाइट कलर का ऑरेंज दिख रहा है, तो इनमें भी कुछ परसेंटेज बीटा कैटेनिन का होता है। लेकिन जस्ट इनके ऊपर क्या होती है, वेज 1 की सेल्स होती है जिनमें बिल्कुल भी बीटा कैटेनिन नहीं होता है, और मीजोमियर्स में भी बीटा कैटेनिन नहीं होता है। तो ये नॉर्मल केस है जो आपको देखने को मिल रहा है। यहीं पर क्या डाल दिया, यहीं पर अगर हमने इन सेल्स को लिथियम क्लोराइड से ट्रीट करा दिया, यही क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन यही पूछा गया है, 2018 का क्वेश्चन है, जून 2018 का क्वेश्चन है, कि अगर हमने सी अर्चिन में क्या करा, इस ब्लास्टुला को, इन सेल्स को किससे ट्रीट करा दिया, लिथियम क्लोराइड से ट्रीट करा दिया। लिथियम क्लोराइड ब्लॉक्स GSK3, लिथियम क्लोराइड ब्लॉक्स GSK3। GSK3 का एक्सप्रेशन कहां मिलेगा, GSK3 का एक्सप्रेशन कहां मिलेगा, जहां पर बीटा कैटेनिन का एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है वहां पर हमें GSK3 का एक्सप्रेशन मिलेगा, है ना, यही तो होगा। जहां पर बीटा कैटेनिन का एक्सप्रेशन नहीं मिला, आंसर करते जाइए, जहां पर बीटा कैटेनिन का एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा वहीं पर हमको क्या मिलेगा, GSK3 का एक्सप्रेशन मिलेगा। तो जब लिथियम क्लोराइड से ट्रीट करा दिया गया तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में बीटा कैटेनिन, लिथियम क्लोराइड ने क्या किया, GSK3 को ब्लॉक कर दिया, और GSK3 को ब्लॉक करने की वजह से क्या हुआ, बीटा कैटेनिन एक्यूमुलेट्स ऑल द सेल्स ऑफ द ब्लास्टुला, क्योंकि अब बीटा कैटेनिन इनहिबिटर नहीं है, तो क्या होगा, GSK3 के इनहिबिट हो जाने की वजह से, GSK3 के इनहिबिट हो जाने की वजह से बीटा कैटेनिन एक्यूमुलेट्स ऑल द सेल्स ऑफ द ब्लास्टुला। और जब बीटा कैटेनिन सारी सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, द एनिमल सेल्स बिकम स्पेसिफाइड एज एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। जो एनिमल सेल्स होंगी वो भी क्या होने लगेंगी, एज एंडोडर्म एंड मीजोडर्म स्पेसिफाई हो जाएंगी, अगर आप ट्रीट करा देंगे किसको, अगर आप लिथियम क्लोराइड से ब्लास्टुला को ट्रीट करा देंगे। अब दूसरा केस, अगर क्या करा जाए, व्हेन बीटा कैटेनिन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द न्यूक्लियाई, अगर बीटा कैटेनिन न्यूक्लियाई में, न्यूक्लियस में नहीं जाएगा तो वो क्या करेगा, माइक्रोमीयर्स स्पेसिफिकेशन के लिए जो जीन्स है उनका एक्टिवेशन नहीं करा पाएगा, और उनका एक्टिवेशन नहीं करा पाएगा अगर बीटा कैटेनिन न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में है, दैट मींस वो क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। अगर बीटा कैटेनिन को प्रिवेंट करा दिया जाए तो उस केस में क्या होगा, अगर बीटा कैटेनिन को प्रिवेंट करा दिया जाएगा, बीटा कैटेनिन प्रिवेंट हो जाएगा, न्यूक्लियस में एंटर नहीं कर पाएगा, तो जितनी भी वेजिटल सेल फेट्स होंगे वो स्पेसिफाई नहीं होंगे, एंड द एंटायर एम्ब्रिया इज डेवलप, एंटायर एम्ब्रियो इज डेवलप्ड एज सीलिएटेड एक्टोडर्मल बॉल, सीलिएटेड एक्टोडर्मल बॉल, इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा,
इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया, बीटा कैटेनिन को प्रिवेंट करा दिया, बीटा कैटेनिन इनहिबिट हो गया, न्यूक्लियाई में एंटर नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, वेजिटल सल्फेट्स स्पेसिफाई नहीं होंगे और इंटायर एम्ब्रियो डेवलप्ड एज अ सीलिएटेड एक्टोडर्मल बॉल। तो स्पेसिफिकेशन के लिए, माइक्रोमीयर्स स्पेसिफिकेशन के लिए जो रेगुलेटरी फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, बीटा कैटेनिन और डिसेबल्ड, जो बिफोर फर्टिलाइजेशन अपना काम करते रहते हैं। क्लियर? बताइए, ये पॉइंट सभी को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस, बीटा कैटेनिन एंड डिसेबल्ड, बीटा कैटेनिन एंड डिसेबल्ड। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट माइक्रोमीयर रेगुलेटरी इनपुट क्या है? नेक्स्ट माइक्रोमीयर रेगुलेटरी इनपुट की बात करें, इससे भी क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट टाइम भी तो इस पाथवे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट माइक्रोमीयर रेगुलेटरी इनपुट कम्स फ्रॉम द ओटीएक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ओटीएक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ओटीएक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी कहां मिलता है, ये भी कहां मिलेगा, माइक्रोमीयर्स में मिलेगा। कहां मिलेगा? माइक्रोमीयर्स में मिलेगा। दिस ओटीएक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कंबाइंस विद अ बीटा कैटेनिन एंड टीसीएफ एंड एक्टिवेट्स पीमार वन। ये ओटीएक्स क्या करेगा, बीटा कैटेनिन के साथ इंटरेक्ट करेगा एंड दिस ओटीएक्स बीटा कैटेनिन टीसीएफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्ट्स एट द इंटरेक्ट्स आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे या कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। एंड ओटीएक्स बीटा कैटेनिन टीसीएफ कॉम्प्लेक्स एट द इनहांसर ऑफ द पीमार वन जीन एंड एक्टिवेट्स पीमार वन जीन। अब देखिए, ये जो एचईएससी है, एचईएससी क्या होता है, एचईएससी का काम क्या होता है, ये ALX1 TBR ETS एंड डेटा, यानी कि स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम जीन्स, स्केलेटोजेनिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेटिंग स्केलेटोजेनिक फॉर्मिंग जीन्स, ये वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं जो स्केलेटोजेनिक फॉर्मिंग जीन्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। HESC क्या करता है, इन जीन्स को इनहिबिट कर देता है। लेकिन माइक्रोमीयर्स में क्या होता है, माइक्रोमीयर्स में ओटीएक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के प्रेजेंट होने की वजह से ओटीएक्स बीटा कैटेनिन के साथ मिलकर पीमार वन को एक्टिवेट करता है और पीमार वन इज द इनहिबिटर ऑफ HESC। जब HESC इनहिबिट हो जाता है तो ये सारे जीन्स, ये सारे जितने भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, ALX1 TBR ETS डेल्टा, ये सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, स्केलेटोजेनिक फॉर्मिंग जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, उनका एक्सप्रेशन मिलने लगता है और प्राइमरी मेसेनकाइम या स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम जीन्स क्या हो जाते हैं, बनने लगते हैं। लेकिन माइक्रोमीयर्स में तो ओटीएक्स मिलता है, लेकिन वेज टू माइक्रोमीयर की अगर हम बात करें तो वहां पर ओटीएक्स नहीं मिलता है, वहां पर ओटीएक्स प्रेजेंट नहीं होता है। ओटीएक्स के एब्सेंट होने की वजह से क्या होता है, पीमार वन इनहिबिट रहता है, पीमार वन इनहिबिट होने की वजह से HESC एक्टिव रहता है, जिसको यहां पर पीमार वन ने इनहिबिट कर दिया था, यहां पर HESC एक्टिवेट रहता है, HESC इनहिबिट्स ऑल द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विच एक्टिवेट स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम जीन्स and these wedge two macromeres forms non-skeletogenic mesenchyme। बताइए, ये पाथवे सभी को क्लियर है? बताइए, ये पाथवे सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट? यही होता है डबल नेगेटिव गेट। माइक्रोमीयर्स में क्या होता है, इन द माइक्रोमीयर्स व्हेन पीमार वन इज एक्टिवेटेड HESC जीन इज रिप्रेस्ड एंड दिस मैकेनिज्म, पढ़िए, ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है,
इसे एज इट इज ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट एज इट इज नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन माइक्रोमियर्स वेयर पीमार वन इज एक्टिवेटेड द एचईएससी जीन इज रिप्रेस्ड, दिस मैकेनिज्म वेयर बाय अ रिप्रेसर लॉक्स द जीन ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड दीज जीन्स कैन बी अनलॉक्ड बाय द रिप्रेसर ऑफ दैट रिप्रेसर, मींस when activation occurs by the repression of a repressor is called double negative gate, and such a gate allows for tight regulation of fate specification. It promotes the expression of these genes where the input occurs, and it represses the same genes in every other cell type. Clear? बताइए, यही काम हमने एम्फीबिया में भी पढ़ा था। एम्फीबिया में जो क्या था, BG1 था, वो क्या कर रहा था, डॉर्सल साइड पर WAT को इनहिबिट करा रहा था बाय द एक्टिवेशन ऑफ डेकॉफ, ताकि क्या हो सके, ताकि गुस्पाइट जीन का एक्सप्रेशन मिल सके। जैसे यहां पर क्या कराया जा रहा है, डबल नेगेटिव गेट का मतलब क्या है, व्हेन एक्टिवेशन अकर्स बाय अ रिप्रेशन ऑफ अ रिप्रेशर, वैसे ही एम्फीबिया में यहां पर क्या हो रहा है, HESC को इनहिबिट कराया जा रहा है ताकि क्या हो सके ये सारे जीन्स एक्टिवेट हो सके। तो HESC को इनहिबिट कराने के लिए इसका इनहिबिटर डाल दिया गया, मतलब एक्टिवेशन ऑफ जीन्स बाय द रिप्रेशिंग ऑफ द रिप्रेशर। पीमार वन क्या था, HESC का रिप्रेशर था, और HESC इन सारे जीन्स का रिप्रेशर था, तो इसको HESC को इनहिबिट कराने के लिए HESC का इनहिबिटर डाल दिया गया। ठीक है, तो रिप्रेशन ऑफ रिप्रेशर। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, H2 मैक्रोमियस में ये रिप्रेशर इनएक्टिव है, तो उसकी वजह से HESC एक्टिव है और ये सारे जीन्स इनहिबिट है, तो ये क्या हो जा रहे हैं, यहां पर नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम जीन्स एक्टिवेट हो रहे हैं। कैसे एक्टिवेट हो रहे हैं, स्केलेटोजेनिक हमने बताया, प्राइमरी स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम जीन्स यानी कि लार्ज माइक्रोमियर्स की सेल्स अपने ऊपर की सेल्स यानी कि H2 माइक्रोमियर्स की सेल्स को क्या सिग्नल देती हैं, नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम। अभी हमने बताया कि क्या होती है, ये दूसरी सेल्स को पैराक्राइन एंड जक्स्ट्राक्राइन इंटरेक्शन के थ्रू क्या देती हैं, सिग्नल्स दे रही हैं एंडोडर्म और मेसोडर्म बनाने के। तो यहां पर ये जो डेल्टा जक्स्ट्राक्राइन फैक्टर होगा, ये किससे इंटरेक्ट करेगा, जस्ट अबव की सेल्स जो एडजेसेंटली लोकेटेड सेल है उन पर नॉच रिसेप्टर प्रेजेंट है, उनसे इंटरेक्ट करेगा, डेल्टा नॉच पाथवे एक्टिवेट होगा, और ये किसको एक्टिवेट करेगा, नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम जीन्स को एक्टिवेट करेगा, नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम जीन, है ना। तो ये दोनों काम हो गया, माइक्रोमियर्स का स्पेसिफिकेशन हो गया, और माइक्रोमियर्स जो कि ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड होती है बाय द एक्सप्रेशन ऑफ बीटा कैटरिन, इसने क्या किया, इसने कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के थ्रू H2 मैक्रोमियर्स की सेल्स को भी स्पेसिफाई कर दिया बाय द एक्टिवेशन ऑफ जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग, उनमें नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम जीन्स को एक्टिवेट करा दिया। बताइए, क्लियर। गुड इवनिंग रुद्राक्ष जी, कैसे हैं आप। अभिजीत जी, पेज नंबर 346 है, चैप्टर नंबर 10 है गिलबर्ट का। थैंक यू क्रेजी फ्रूट्स। चलिए तो डबल नेगेटिव गेट के थ्रू क्या होता है, सी अर्चिन में जो माइक्रोमियर्स होते हैं उनका स्पेसिफिकेशन होता है। क्लियर, दैट इज ऑल अबाउट अर्ली डेवलपमेंट। इससे जो भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर के, हम वो सॉल्व करेंगे ताकि जितना हमने पढ़ा है उतना हमारा रिवाइज हो सके। क्वेश्चंस करने से, देखिए क्वेश्चंस करते रहिए, क्वेश्चन करने से आपका जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो ये क्लियर हो जाता है कि आपने जो पढ़ा है आपको वो क्वेश्चंस से अप्लाई करना आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है तो ये बहुत, अगर क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, कौन सा कॉन्सेप्ट इस पर लगाना है, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व कर दें। अभी हमने डबल नेगेटिव गेट पढ़ा, और डबल नेगेटिव गेट का एज इट इज क्वेश्चन देखिए, वही फिगर देखिए, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। डिफरेंस ये लिखा है, यहाँ पर माइक्रोमियर लिखा है और यहाँ पर रेस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द ब्लास्टुला लिखा है, मींस H2 मैक्रोमियर लिखा है ना।
है ना? यस, नहीं 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 प्रभजोत जी, ये सारी स्पेसिफिकेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन ही, बिफोर फर्टिलाइजेशन स्पेसिफिकेशन कैसे हो सकता है? क्लिवेज तो तब होगा ना एग में जब स्पर्म की एंट्री होगी, जाइगोट बनेगा तब क्लिवेज होगा ना, तो और क्लिवेज के बाद ब्लास्टुला बनेगा, तो ये सारा स्पेसिफिकेशन ब्लास्टुला में हो रहा है ना? तो जो ये फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन के पहले जो ओजेनेसिस के दौरान सिर्फ बीटा कैरेटिन और डिसेवल्ड का एक्यूमुलेशन होता है, और वही बीटा कैरेटिन और डिसेवल्ड जब क्लिवेज होता है तो कहां पर आ जाते हैं? वेजिटल हेमिस्फीयर की सेल्स में आ जाते हैं। ठीक है, ये सारा काम फर्टिलाइजेशन, अर्ली डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? अर्ली डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि क्लिवेज के बाद ब्लास्टुला और गैस्टुला की जब आप बात करते हैं तब ये अर्ली डेवलपमेंट होता है। देन उसके बाद गैस्टुलेशन होता है, और ब्लास्टुला के बाद मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन होता है, देन गैस्टुलेशन होता है, देन सेल मूवमेंट्स होता है, जर्म लेयर स्पेसिफिकेशन होता है, देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक्सेस फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर सी अर्चिन के केस में ब्लास्टुला सेल्स जो है उनमें क्या हो रहा है? उनमें स्पेसिफिकेशन हो रहा है, और उन स्पेसिफिकेशन के लिए ये सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। तो ये अर्ली डेवलपमेंट आप पढ़ रहे हैं, है ना? अभी क्लियर है प्रभोज जी? हाँ बिल्कुल, याद रखिएगा बिल्कुल इन सब चीजों से, बिल्कुल ये तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, है ना? चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इन सी अर्चिन अ ग्रुप ऑफ सेल्स एट द वेजिटल पोल बिकम स्पेसिफाइड एज द लार्ज माइक्रोमीयर सेल्स, दीज सेल्स आर डिटरमाइंड टू बिकम स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम सेल्स दैट विल लीव द ब्लास्टुला epithelium to ingress into the blastocyst. This specification is controlled by the expression of PMR1 which is a repressor of HESC. और इसी के बेसिस पर इन्होंने ये आपको जो दिया है, साइड में ये दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लड है पर देखने की कोशिश करिए, थोड़ा सा ब्लड है, देखिए ये इन्होंने आपको फिगर दिया है, ये क्वेश्चन में फिगर दिया है, और इस फिगर के बेसिस पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी हमने ये फिगर देखा माइक्रोमीयर्स में क्या हो रहा है, माइक्रोमीयर्स में ओटीएक्स और बीटा कैटेरिन पीमार1 को एक्टिवेट कर रहे हैं, पीमार1 एचईएससी को इनहिबिट कर रहा है, और एएलएक्स टीबीआर ईटीएस डेल्टा ये सब एक्टिवेट हो जा रहे हैं, माइक्रोमीयर्स का स्पेसिफिकेशन हो जा रहा है। दूसरी तरफ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटीएस ओटीएक्स पीमार1 का एक्टिवेशन नहीं हो पाया, एचईएससी क्या हो रहा है, एक्टिवेट है, और एएलएक्स1 यानी कि जितने भी स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम जीन्स हैं उनको, उन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इनहिबिट कर दे रहा है। अब देखिए काम की चीज जो इन्होंने ये दिया है, पहला एमआरएनए ऑफ पीमार1, अगर पीमार1 का एमआरएनए डालेंगे तो क्या होगा, एमआरएनए ऑफ एचईएससी एंटीसेंस ऑफ पीमार1 एंटीसेंस ऑफ एचईएससी, और दूसरी तरफ सिर्फ दो पॉइंट दिए हैं, ऑल सेल्स विल स्टार्ट इनग्रेसिंग इन टू द ब्लास्टोसीट, स्केलेट मेसेनकाइम विल नॉट बी फॉर्म, जो सेल्स इनग्रेस करेंगी वो कैसी होंगी, स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम सेल्स होंगी। तो एमआरएनए ऑफ पीमार1 क्या करेगा बताइए, थर्ड ऑप्शन पुनीत जी ने दे दिया, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, थर्ड ऑप्शन पुनीत जी ने बता दिया। चलिए बताइए एमआरएनए ऑफ पीमार1 क्या करेगा, ऑल सेल्स विल स्टार्ट इनग्रेसिंग इन टू द ब्लास्टोसील, ऑल सेल्स विल स्टार्ट इनग्रेसिंग इन टू द ब्लास्टोसील, mRNA of HSC, skeletogenic mesenchyme will not be formed. तो A का first, B का second. C में क्या दिया हुआ है? Antisense of PMR1. अगर आप PMR1 का antisense डाल देंगे, that means PMR1 activate नहीं होंगे. और उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? Skeletogenic mesenchyme will not be formed. और अगर आप antisense of HSC डाल देंगे, HESC का inhibitor डाल देंगे, तो उस केस में पहला होने लगेगा, यानी कि all cells will start ingressing into the blastocyst, है ना? तो हमें क्या मिल गया? A का 1, B का 2, C का 2 and D का 1. बताइए, question सभी को समझ में आया? ये question सभी को समझ में आया? Answer करिए, ये question सभी को समझ में आया? तो इसका कौन सा option correct है? Third option. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएंगे, डबल नेगेटिव गेट से इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो हो जाएंगे, बताइए कर लेंगे आप सभी लोग इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन पूछा जाए, इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ सी अर्चिन एम्ब्रियो इज ट्रू, बताइए। पहली स्टेटमेंट यदि है ईच ब्लास्टोमियर ऑफ अ फोर सेल स्टेज possesses a portion of the original animal vegetal axis and if isolated and allowed to develop will form a complete smaller sized larva. तो अभी हमने पढ़ा four cell stage में जब चारों cells को isolate किया था rocks scientists जो थे rocks ने, तो उस case में क्या हुआ था जो smaller size larva develop हुए थे लेकिन complete larva develop हुए थे हर एक cell से, तो ये पहला point true है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, ईच ब्लास्टोमियर ऑफ एट सेल स्टेज हैज द कैपेसिटी टू फॉर्म अ कंप्लीट एम्ब्रियो बट बाय द 16 सेल स्टेज ब्लास्टोमियर विल डेवलप अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंटिव फिट। नहीं, एट सेल स्टेज से ही ब्लास्टोमियर्स क्या हो जाते हैं, ब्लास्टोमियर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंटिव फिट, तो ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है, एनी ब्लास्टोमियर आइसोलेटेड टिल द प्लूटियस लार्वा फॉर्मेशन विल रेगुलेट to go on and develop into a full-sized embryo. No, it's also false. This statement is also false. This statement is also false. The third statement bhi false hai. Ab fourth statement kya keh rahi hai? After an intricate recombination at the 16 cell stage, the resulting embryo loses its ability to form a complete larva. नहीं, जो हमने इंट्रिकेट रिकॉम्बिनेशन वाला एक्सपेरिमेंट कराया तो उसमें 16 सेल स्टेज में भी क्या हो रहा था, 16 सेल स्टेज में भी जो एम्ब्रियो था वो कंप्लीट, मतलब जब सारे न्यूक्लियाइज को शफल कराया था ट्रीस ने, तो उस केस में क्या हुआ था, जो बनने वाला एनिमल था वो कंप्लीट एनिमल डेवलप हुआ था, नॉर्मल एनिमल डेवलप हुआ था, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो रहा था। तो फोर्थ ऑप्शन भी कैसा है, फॉल्स है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, इसमें ट्रू स्टेटमेंट पूछी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रीस के प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन पूछा है। देखिए ड्रीस के प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक इसका ऑप्शन कट गया है, इसका ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका सिर्फ दो ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे होंगे ना, नीचे का थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है सभी को, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है क्या सभी को, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है क्या सभी को, नहीं दिखा है। चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, हमें खुद ही पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा नहीं, है ना। तो ड्रीस का ये प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट कंप्लीटली दिया हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कब किया था, रिकॉम्बिनेशन विद एन 8 सेल सी अर्चिन एम्ब्रियो एंड दिस प्रोसीजर रीसफल्ड द न्यूक्लियाई दैट नॉर्मली वुड हैव बीन इन द रीजन डेस्टिन्ड टू फॉर्म एंडोडर्म इनटू द प्रेजम्प्टिव एक्टोडर्म रीजन। तो हमने क्या बताया था, हमने यही बताया कि न्यूक्लियाई को क्या कर दिया था, शफल कर दिया था। इफ सेग्रीगेशन ऑफ न्यूक्लियर डिटर्मिनेंट्स हैड अकर्ड द रिजल्टिंग एम्ब्रियो शुड हैव बीन डिसऑर्डर्ड, हाउएवर ड्रीस ऑब्टेंड नॉर्मल लार्वा फ्रॉम दीज एम्ब्रियोज। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था, नॉर्मली सफल करने के बाद न्यूक्लियाई अगर ऑटोनॉमस डेवलपमेंट होता तो क्या होता, सफल करने के बाद न्यूक्लियाई, क्योंकि ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन के केस में अगर सेल्स ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड हैं तो अगर उनकी पोजीशन चेंज होगी तो क्या होगा, वो अपना फेट तो चेंज करती नहीं है, तो एबनॉर्मली स्ट्रक्चर्स डेवलप होने लगेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, कोई भी डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर नहीं मिला, मतलब ड्रीस ने क्या देखा कि इससे भी क्या मिला, एक नॉर्मल लार्वा डेवलप हुआ। एंड द पॉसिबल इंटरप्रिटेशन रिगार्डिंग द 8 सेल सी अर्चिन एम्ब्रियोज आर, पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, अच्छा नहीं दिख रहा है, चलिए हम ये जो लिख देते हैं, हम जो नहीं दिख रहा है आप लोगों को इसे इन ऑप्शंस को थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को नोट कर देंगे, है ना, बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, द प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड ब्लास्टोमियर इज ग्रेटर देन इट्स एक्चुअल प्रोस्पेक्टिव फिट, बताइए ए स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, ए स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, आंसर करिए, ए स्टेटमेंट ट्रू, यस फर्स्ट इज करेक्ट, वेरी नाइस पुनीत जी, अनिल ने भी आंसर सही दिया, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट,
The prospective potency and prospective fate of the blastomere were identical. Identical का केस तब होता है जब autonomous होता है ना. तो B statement कैसी है? B statement false है. B statement false है. बताइए. B statement false है. Yes. B statement false है. चलिए. C statement में क्या दिया है? The CH in embryo is a harmonious equipotential system because all of its potentially independent parts interacted together to form a single embryo या single organism. तो ये भी अपने conclusion में Dries ने बताया था, है ना? तो C option भी कैसा है? Correct है. D option, regulative development occurs where location of the cell in the embryo determine its fate. बताइए. सी ऑप्शन करेक्ट है. डी ऑप्शन का बताइए. डी फॉल्स है या नहीं? डी ऑप्शन फॉल्स है या नहीं? डी ऑप्शन फॉल्स है या ट्रू? रेगुलेटिव डेवलपमेंट अकर्स वेयर लोकेशन ऑफ द सेल इन द एम्ब्रियो डिटरमाइन इट्स फेट. डी ऑप्शन करेक्ट है ना? डी ऑप्शन करेक्ट है. यस, ए सी एंड डी. यहां पर फर्स्ट ऑप्शन जो था वो ऑनली ए है, सेकेंड ऑप्शन ऑनली डी है, थर्ड ऑप्शन ए, थर्ड ऑप्शन जो था वो ए एंड बी था, और फोर्थ ऑप्शन ए सी एंड डी. तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जो नहीं दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा कट गया है ये. हाँ डी. अरे डी में देखिए ना, अगर रेगुलेटिव डेवलपमेंट कब होता है प्रभजोत? रेगुलेटिव डेवलपमेंट तब होता है जब क्या होता है, जब लोकेशन बताती है सेल्स की, सेल का फेट क्या होगा. मतलब जिस भी एनवायरमेंट में सेल को डाल दिया गया, वहां की नेबरिंग सेल्स के फेट के अकॉर्डिंग सेल ने फेट को अचीव कर लिया, है ना? तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है, ये रेगुलेटिव डेवलपमेंट है. चलिए डी को, ये वाला जून में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए. इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, थोड़ा सा ब्लर्ड है पर देखने की कोशिश करिए. राष्ट्रा खातून जी एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए फिर एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं. देखिए क्या दिया हुआ है. गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रोल ऑफ डिसेबल्ड एंड बीटा कैटेनिन इन द डेवलपमेंट ऑफ सी अर्च. और उसके बेसिस पे जो स्टेटमेंट्स दी हैं उनको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. पहली स्टेटमेंट दी है, डिसेबल्ड इज लोकलाइज्ड इन द वेजिटल कॉर्टेक्स ऑफ द ओसाइट बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड इन द रीजन ऑफ द 16 सेल एम्ब्रियो अबाउट टू बिकम द माइक्रोमियर्स. बताइए ए स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? आंसर करिए. 2019 में कौन सा क्वेश्चन आया था जूली जी? 2019 में सी एच का क्वेश्चन आया था. ओके, देखते हैं, अभी चेक करते हैं, है ना? ओके, बताइए ए स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं? ए स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल. यस, इट इज ट्रू, बिल्कुल. हम 2019 का भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जूली जी. बी स्टेटमेंट बताइए, डिसेबल्ड इज लोकलाइज्ड इन द साइटोसोल ऑफ द ओसाइट ड्यूरिंग ओजेनेसिस इन द माइक्रोमियर्स फॉर्मिंग ब्लास्टोमियर्स ऑफ अ 16 सेल एम्ब्रियो. अगर डिसेबल्ड कहां रहेगा? डिसेबल्ड इज लोकलाइज्ड इन द एम्ब्रियो ऑफ द ओसाइट ड्यूरिंग ओजेनेसिस एंड इन द माइक्रोमियर फॉर्मिंग ब्लास्टोमियर ऑफ अ 16 सेल एम्ब्रियो. बताइए बी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? यस, चले फॉल्स. सी, बीटा कैटेनिन एक्यूमुलेट्स प्रीडोमिनेंटली इन द माइक्रोमियर्स एंड समवॉट इनटू द वेजिटल टियर ऑफ सेल्स. यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट. डी स्टेटमेंट क्या कह रही है? ट्रीटमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद लिथियम क्लोराइड डज नॉट अलाउ द एक्यूमुलेशन ऑफ बीटा कैटेनिन इन द न्यूक्लियाई ऑफ all blastula cells and the animal cells that become specified as endoderm and mesoderm. और endoderm and mesoderm का specification तब होगा जब beta catenin सारी cells में accumulate होगी,
है ना, इन्होंने रिजल्ट तो सही, नहीं अंकिता जी ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि इन्होंने रिजल्ट तो सही दिया कि सारी सेल्स स्पेसिफाइड हो जाएंगी एज एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, बट इन्होंने ऊपर क्या लिखा है, इट डज नॉट अलाउ द एक्यूमुलेशन ऑफ बीटा कैटेरिन इन द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल ब्लास्टुला सेल्स। जबकि लिथियम क्लोराइड से ट्रीट कराने के बाद बीटा कैटेरिन सारी ब्लास्टुला सेल्स के न्यूक्लियाइज में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फॉल्स है, डी स्टेटमेंट फॉल्स है, डी स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट, व्हेन बीटा कैटेरिन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द न्यूक्लियस द डेवलपिंग एम्ब्रियो डेवलप्ड एज अ सीलिएटेड एक्टोडर्मल बॉल। यस, अगर बीटा कैटेरिन को प्रिवेंट कर दिया जाएगा न्यूक्लियस में जाने से तो क्या होगा, एज अ एक्टोडर्मल बॉल, सीलिएटेड एक्टोडर्मल बॉल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ई ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्लियर क्लियर। तो ए सी एंड E, A, C and E, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। B में डिसेबल्ड इज लोकलाइज्ड इन द साइटोसोल ऑफ ऊसाइट ड्यूरिंग ऊजेनेसिस एंड इन द माइक्रोमियर फॉर्मिंग ब्लास्टोमियर्स ऑफ अ 16 सेल एम्ब्रियो। तो जितनी भी जो ब्लास्टुला सेल्स होती हैं, जो जब 60 सेल एम्ब्रियो की स्टेज आती है, 60 सेल एम्ब्रियो की जो स्टेज आती है, उस दौरान क्या होता है, उस दौरान ये डिसेबल्ड कहाँ पर पहुँचता है, माइक्रोमियर्स में, जो लार्ज माइक्रोमियर्स है वहाँ पर एक्यूमुलेट होता है और वहाँ पर क्या करता है, बीटा कैटेरिन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्लियर क्लियर। चलिए डन। That is all about early development in sea urchin. कल फिर मिलेंगे हम लोग, next topic, कल तो दिवाली है तो कल कैसे मिलेंगे, है ना। अब दिवाली आप सभी लोगों को मनानी होगी, है ना, हैप्पी दिवाली सभी लोगों को, अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करिएगा, बट पेपर की तैयारी करना मत भूलिएगा, सभी लोगों को पेपर अच्छे से देना है ना। तो कल तो नहीं मिलेंगे, दिवाली के बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। चलिए हाँ, आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई, हैप्पी दिवाली, थैंक यू सो मच। यस।